इस शो ने लिटरली आज की मीडिया को नंगा करके रख दिया है। सच के सामने टिक नहीं सकता, उसका मिट जाना ही बेहतर है। तो देखो यार, आज ना Z5 के ऊपर ब्रोकर न्यूज के पार्ट नंबर 2 के सारे एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है, जिसको मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया है। और जिस तरीके का मुद्दा इसके पहले पार्ट में आपको देखने को मिला था, क्या इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको लाइक मेंटेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, कैसा ये शो है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखो बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो पहले जाके इसके पार्ट नंबर 1 को देख लेना, उसके बाद ही आपको जो इसकी स्टोरी है समझ में आएगी। लेकिन फिर भी मेरे को अगर आपके सामने हल्का सा ब्रीफ करना हो तो इतना बोल सकता हूँ कि लिटरली आज की मीडिया को इसने पूरी तरीके से नंगा करके रख दिया है। कैसे मीडिया जो है 95% मीडिया बिकी हुई है, कैसे वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, सरकार जो गलती कर रही है उसको छुपाने में लगी हुई है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। एक ऐसी कंपनी है जो 24/7 जो आपके सामने सरकार के मुद्दों को रखती है, जो सरकार उसको बोलती है वैसे ही वो काम करती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी मीडिया कंपनी है जिसका नाम है आवाज भारती, जिनका पर्सपेक्टिव अभी भी कुछ पुराने टाइप से जुड़ा हुआ है कि कैसे सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो मुद्दे हैं वो असल सामने आने चाहिए, ना कि TRP कंट्रोवर्सी, इन सब में मीडिया को पढ़ना चाहिए। दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखा गया है। क्या ये कंपनी जो है वो इसको काउंटर कर पाएगी जो पूरी तरीके से TRP कंट्रोवर्सी के पीछे भाग रही है? दोनों में से कौन सामने निकल के आएगा, कौन ज़्यादा अच्छे से तरीके से काम करेगा, और जर्नलिज्म का क्या मतलब होता है, दोनों में से कौन समझा पाएगा, यही इस पूरे शो की स्टोरी है। और मैं ऐसा बोलूंगा, इसने मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। कैसे ये बिके हुए मीडिया हाउसेस जो है वो सरकार की एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं रह गए हैं, लिटरली मैं बोल रहा हूँ एक्सपोज करके रख दिया। और अगर आप लोगों को इसका पहला पार्ट पसंद आया था तो इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट। इसके पार्ट नंबर 2 ने जो एक्सपेक्टेशन है उसको डेफिनेटली एक्सीड किया है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस शो के पॉजिटिव पार्ट की। इस शो की कास्टिंग पहले पार्ट में ही बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पे आपको जयदीप अहलावत साथ में आपको देखने को मिल रही है, श्रेया पिलगांवकर साथ में आपको देखने को मिल रही है, सोनाली बेंद्रे, तीनों के तीनों मेन लीड जो है उन्होंने अपने काम को जबरदस्त तरीके से प्ले किया है। स्पेशली जयदीप अहलावत, जितनी नेचुरल उनकी एक्टिंग होती है कमाल करते हैं। इसके बाद जो इस शो का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इसका मुद्दा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ऑडियंस को जानना चाहिए कि बिहाइंड द सीन मीडिया में काम कैसे होता है। सिर्फ TRP, सिर्फ कंट्रोवर्सी, जो ट्रेंड में चल रहा है, जो ट्रेंड में नहीं चल रहा है, कैसे उसको छोड़ना है, कैसे उसको पकड़ना है, उसके बारे में क्या चीज़ें होती है, ये ऑडियंस के सामने आना चाहिए। और ये लिटरली एक बहुत बोल्ड टॉपिक है जिसके ऊपर शो बन के निकला है, तो क्रिएटर्स को, मेकर्स को डेफिनेटली सैल्यूट है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा देखो Z5 के बारे में, क्योंकि Z5 का इससे पहले एक शो आया जिसका नाम था सनफ्लावर, उसका सीक्वल ही बहुत जबरदस्त बन के निकला। यहाँ आ रहा है ब्रोकर न्यूज, उसका पार्ट नंबर 2 भी बड़ा अच्छा बन के निकला है। होता क्या है, सीक्वल्स जो है कई बार ना अपने फर्स्ट वाले पे ना तो खड़े हो पाते हैं सही से उस लेवल तक, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों शोज का जो सीक्वल है वो पहले के मुकाबले इक्वली गुड है या बेटर है। तो उसके लिए Z5 की जो क्रिएटिव टीम है, जो प्रोडक्शन है, जिस तरीके से राइटिंग चल रही है, उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना बनता है। और जहां तक बात रही देखो इस शो के नेगेटिव पार्ट की, मेरे को एज इट इज इसके अंदर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट नहीं लगा। चाहे आप पेस की बात करो, चाहे आप स्टोरी की बात करो, चाहे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात करो, चाहे आप जिस बोल्ड टॉपिक के ऊपर ये शो चल रहा है उसकी बात करो, सभी मायनों में ये शो मेरे को पसंद आया है। और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि ये शो आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपका एप्रिसिएशन जो है वो डिजर्व करता है, तो आपको डेफिनेटली जाके इस शो को वॉच करना चाहिए। तो मैं पर्सनली इस शो को रेट करूंगा 4.5 out of 5 star। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू ऑफ द शो ब्रोकर न्यूज का पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये शो कैसा लगा नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को आज तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे से लाइक कर दो, और ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।